दोस्तों, मैं आपका अपना कौशलेंद्र प्रताप सिंह आज फिर कुछ फूड के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मेनी को एंजाइम्स आर मेनली, वो कोएंजाइम्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, सब्सट्रेट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे हम विटामिन लगाते हैं। लैक्टोज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे लैक्टोज बनाया जाता है? शुगर कैन, मिल्क, शुगर बीट या सोया मिल्क? तो यहाँ से मिल्क से अपने को लैक्टोज शुगर मिलता है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, तो ये आपको पता होगा कि इंडिया में बनाना ज़्यादा होता है, ट्रू। ड्राई वाइन आर फ्री फ्रॉम, ड्राई वाइन जो होती है फ्री होती है किससे? मॉइस्चर या अनफर्मेंटेड शुगर या दोनों से? तो यहाँ पे अनफर्मेंटेड शुगर होगा। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ माइज? माइज मतलब जानते हैं मक्का होता है, मक्के को और क्या बोलते हैं? मक्के को बोलते हैं और कॉर्न। अब यहाँ पे हम अगला पढ़ेंगे कि द पीएच ऑफ एग वाइट। अब पीएच कितना है एग वाइट का, कितना होता है? तो आंसर है 7.6 से लेकर 7.9। द करेंट मोस्ट कॉमनली यूज पैकेजिंग मटेरियल इन इंडिया, सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे कौन सा पैकेजिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है? तो वो है आपका, कौन सा हो सकता है? बोतल, पाउच, कार्टून या टेट्रा पैक? तो यहाँ पे होगा आपका पाउच, ज़्यादातर हम पाउच में ही सामान दे रहे हैं, पैकिंग का यूज़ इंडिया में यही हो रहा है। वैक्स कम अंडर द, अब ये वैक्स किसके अंडर में आता है? सिंपल लिपिड के आता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड के, या दोनों के, या नन, किसी के भी नहीं, कॉम्प्लेक्स लिपिड के अंदर आता है। विच विटामिन इज द ओनली वन दैट यू विल नॉट फाइंड इन अ एग, कौन सा विटामिन है जो नहीं पाया जाता है अंडे में? वो कौन सा विटामिन? विटामिन सी, हमें पता है सिट्रिक फ्रूट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी ऑक्सीडेंट, इनमें से कौन सा एंटी ऑक्सीडेंट है? विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन बी वन और विटामिन डी, तो यहाँ पे विटामिन सी है। अब यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन कर दिए हैं और हम यहाँ पे इसको सबमिट करते हैं और आंसर देखते हैं कितना है। यहाँ पे हमारे 10 में से 10 आंसर सही है। मैं दोस्तों, मैं इस लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आप भी देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो FSO की तैयारी के लिए लगे रहिए और देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।